हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल पायरेट। माय सेल्फ पिंकी। प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू थ्री डिजिट नंबर। ओके, अभी हम थ्री डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा, टू डिजिट में सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, वो हम आज देखते हैं। देखो, टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, देखो नाइन के बाद क्या आता है, टेन आता है, तो नाइन के बाद नाइन वन डिजिट है, टेन टू डिजिट है, इधर वो हमारा टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, टेन हुआ। अभी विच इज अ थ्री टू डिजिट बिगेस्ट नंबर, देखो द टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99 होता है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 100 थ्री डिजिट का हो जाता है, तो अभी हम टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा लिखेंगे, 100। अभी व्हाट इज द थ्री डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 99 के बाद 100 आता है, तो हमारा थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 100 हुआ। विच इज अ थ्री डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है थ्री डिजिट का, देखो थ्री डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 999, देखो 999, वो हमारा हुआ थ्री डिजिट और टू डिजिट में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हम देखो, अभी 999 में हम वन प्लस करेंगे, देखो 9 + 1 0 कैरी 1, 9 + 0 कैरी 1, 9 + 0 1000 क्या हुआ, वो हुआ हमारा थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 1000 इज अ फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इनको 1000 को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम, ओके। अभी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं फोर डिजिट में कैसे, कौन सी प्लेस वैल्यू क्या आती है वो हम देखते हैं। देखो इधर मैं एक नंबर लिख रही हूँ 4625, ओके 5 कौन से प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर, 2 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर, 6 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर, और 4000 के प्लेस पर है। देखो ये 4 कौन से प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, तो हम कैसे लिखेंगे, फोर डिजिट 4000, 6 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस में, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 600, 600, और टेंस कितने हैं, 2 है, और वंस कितने हैं, 5 है, तो 2 और 5 हम साथ में लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 25, ओके। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थ्री कौन से प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर, 7 टेंस के प्लेस पर है, 600 के प्लेस पर, और 5
थाउजेंड के प्लेस पर, आपको समझ में आए? फर्स्ट डिजिट होता होता है वो वंस के प्लेस पर होता है, सेकंड डिजिट टेंस के प्लेस पर, थर्ड डिजिट हंड्रेड के प्लेस पर, फोर्थ डिजिट थाउजेंड के प्लेस पर, इधर फाइव थाउजेंड के प्लेस पर है, हम क्या लिखेंगे? फाइव थाउजेंड। सिक्स कौन से प्लेस पर है? हंड्रेड के प्लेस पर, इधर हम लिखेंगे सिक्स हंड्रेड। अभी सेवन टेंस है और थ्री वंस है, सेवन और थ्री को हम साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेवेंटी थ्री। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर सेवन कौन से प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर, फोर टेंस के प्लेस पर, सिक्स हंड्रेड के प्लेस पर और एट थाउजेंड के प्लेस पर। इधर एट कौन से प्लेस पर है? थाउजेंड के प्लेस पर, इधर हम क्या लिखेंगे? एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के प्लेस पर है तो सिक्स हंड्रेड। फोर कौन से प्लेस पर है? सेवन के प्लेस पर और फोर टेंस के प्लेस पर और सेवन वंस के प्लेस पर है तो फोर और सेवन हम साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्टी सेवन। ओके, वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ओके, नाइन कौन से प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर, सेवन टेन के प्लेस पर है और सिक्स कौन से प्लेस पर है? हंड्रेड के प्लेस पर और थ्री थाउजेंड के प्लेस पर। देखो एक थ्री थाउजेंड के प्लेस पर है, इनको हम कैसे रेट करेंगे? थ्री थाउजेंड। चलो थ्री थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के प्लेस पर है तो हम क्या लिखेंगे? सिक्स क्या हुआ? सिक्स हंड्रेड। अभी देखो सेवन और नाइन, सेवन कौन से प्लेस पर है? टेंस के प्लेस पर और नाइन वंस के प्लेस पर, ये दो डिजिट को हम साथ में लिखेंगे क्या हो जाएगा? सेवेंटी सेवेंटी नाइन हो जाएगा। ओके, अभी हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। देखो इधर सिक्स कौन से प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर, फाइव टेन के प्लेस पर और हम जीरो हंड्रेड के प्लेस पर है और ये थाउजेंड के प्लेस पर है। देखो इधर थाउजेंड के प्लेस पर वन है, हंड्रेड के प्लेस पर जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं है, टेंथ के प्लेस पर फाइव है और वंस के प्लेस पर फाइव सिक्स है। चलो इधर और इधर हम कैसे लिखेंगे? वन वन थाउजेंड और हंड्रेड पर तो कुछ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट टेंस और वंस पर जाएंगे। टेंस पर क्या है? फाइव और वंस पर सिक्स है, इनको हम साथ में ले लेंगे क्या हो जाएगा? फिफ्टी सिक्स। ओके, डू यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ओके, फोर डिजिट में अभी हम मैं एक डिजिट लिखती हूँ। इनको डिजिट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फोर थाउजेंड है, फोर थाउजेंड है, थाउजेंड के प्लेस में फोर लिखेंगे और फाइव हंड्रेड है तो फाइव बाद में सिक्सटीन है और सिक्सटीन तो फोर कौन से प्लेस में हुआ? थाउजेंड के प्लेस में, फाइव हंड्रेड के प्लेस में और सिक्सटीन वन टेंस के प्लेस में और सिक्स
वन के प्लेस में, ओके। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखो इधर क्या है, 1000 है, 1000 के प्लेस में क्या है, 1 है। अभी 1000 और 100 के प्लेस में तो कुछ नहीं है, इधर 100 का प्लेस हम खाली रखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, मतलब कि 0 लिखेंगे। और 25 कैसे लिखते हैं, 2525, ओके, यू अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, देखो 3000 के प्लेस में 3000 है, इधर हम 3 लिख देंगे, 200 है तो 245, इनको कैसे लिखा जाता है, 3000 3 लिख दिया, 200 2 लिख दिया, और 45 तो इनको कैसे लिखेंगे, 2000 3200 45, ओके। और एग्जांपल देखते हैं हम, कौन से प्लेस पर है, 8000 के प्लेस पर, इधर हम 8 लिखेंगे, 500 के प्लेस पर है, इधर 5 लिखेंगे, 26 इधर 2626 लिखेंगे, तो क्या होगा, 8526। डू यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आई होप डू यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अभी हम प्लेस वैल्यू देखते हैं, इनको इनकी प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो तो आपको मैं अभी समझा रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे प्रिंसिप लिखती हूँ, इधर 5 कौन से प्लेस पर है, 5 वन्स के प्लेस पर है, और 2 10 के प्लेस पर है, और 6 100 के प्लेस पर, और 4 1000 के प्लेस पर है। अभी देखो 5 1 के प्लेस पर है, इधर हम क्या करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टी करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टी करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, इधर हम 5 लिखेंगे। अभी देखो 2 कौन से प्लेस पर है, 2 10 के प्लेस पर है, तो इधर क्या होगा, 2 को 10 के साथ मल्टी करना है, देखो 2 मल्टी 10 करेंगे, 2 मल्टी 10 करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, 20। अभी देखो 6 कौन से प्लेस पर है, 600 के प्लेस पर है, तो 6 को हम किसके साथ मल्टी करेंगे, ओके। देखो अभी 6 कौन से प्लेस पर है, 600 के प्लेस पर है, तो 6 को हम किसके साथ मल्टी करेंगे, 100 के साथ, तो 6 मल्टी 100 हमारा आंसर क्या आएगा, 600। देखो इधर देखो 4 कौन से प्लेस पर है, 4000 के प्लेस पर, तो 4 को हम किसके साथ मल्टी करेंगे, इधर 1000 है, तो हमको भी 1000 के साथ मल्टी करना पड़ेगा,
हाउ फोर मल्टी 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो आते हैं, तो 4 को हम 1000 के साथ मल्टी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4000। तो इसके ऊपर से हमको ये पता चलती है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4000। 6 की वैल्यू क्या होती है? 6000। 2 की वैल्यू 20 और 5 की प्लेस वैल्यू 5 होती है, क्योंकि 5 तो 1 के प्लेस पर है तो 5 की प्लेस वैल्यू सेम टू सेम रहती है, और 2 की प्लेस वैल्यू 2 टेंस के प्लेस पर है, 2 के 2 को 10 के साथ मल्टी करते हैं तो इनका आंसर आता है 20। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 20। अभी 6 कौन से प्लेस पर है? 600 के प्लेस पर है, तो 6 मल्टी 100 करेंगे तो हमारा आंसर 600 आएगा। अभी 4 कौन से प्लेस पर है? 1000 के प्लेस पर, 4 मल्टी 1000 करेंगे हमारा आंसर 4000 आया। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इधर 5 कौन से प्लेस पर है? 5 वंस के प्लेस पर। अभी 7 कौन से प्लेस पर है? देखो 7 टेंस के प्लेस पर है, सेकंड डिजिट कौन से प्लेस पर होती है? टेंस के प्लेस पर। अभी देखो 6 कौन से प्लेस पर है? 6 फर्स्ट सेकंड यू वंस टेंस और 100, 600 के प्लेस पर है। और 8000 के प्लेस पर। इधर 5 कौन से प्लेस पर है? 1 के प्लेस पर। इधर हम 5 को किसके साथ मल्टी करेंगे? 1 के साथ मल्टी करेंगे। 5 को 1 के साथ मल्टी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अभी देखो 7 कौन से प्लेस पर है? 7 टेंस के प्लेस पर है, तो 7 को किसके साथ मल्टी करना पड़ेगा? 7 को 10 के साथ मल्टी करना पड़ेगा, 7 मल्टी 10 हमारा आंसर क्या आएगा? 7 मल्टी 10 करेंगे हमारा आंसर आएगा 70। ओके, अभी 6 कौन से प्लेस पर है? 600 के प्लेस पर है, तो 6 को किसके साथ मल्टी करना पड़ेगा? 100 के साथ, 6 मल्टी 100 इज इक्वल टू हमारा आंसर कौन सा आएगा? 6 मल्टी 100 करेंगे हमारा आंसर आएगा 600। अभी इधर देखो 8 कौन से प्लेस पर है? 8000 के प्लेस पर है, 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3। ओके, तो हम 8 मल्टी 1000 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8000। देखो अभी 5 कौन से प्लेस पर है? 1 के प्लेस पर, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 5। 7 कौन से प्लेस पर है? 10 के प्लेस पर, 7 की वैल्यू क्या हुई? 70। 600 के प्लेस पर है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 600। और 8000 के प्लेस पर है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 8000। ओके, यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।